पहले तो मेजर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में थोड़ी बहुत इसका अंदाजा होना चाहिए आपको। BSE, बहुत बढ़िया। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सब जानते हैं, जो भी शेयर्स लिस्टेड है वो यहां पर है। ऑलमोस्ट 50 मेजर कंपनियों के शेयर्स यहां पर लिस्टेड है। यहां पर आप इन कंपनियों में BSE की कंपनियों में पैसा लगाते हो, एक तो पता होना चाहिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेरी फेवरेट है NSE और बहुत लोगों की फेवरेट है NSE। मैं BSE NSE दोनों में लगाता हूं, लेकिन NSE में ज्यादा लगाता हूं। NSE में टोटल 30 आपको कंपनीज मिलेंगी। NSE बहुत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निफ्टी 50, इनमें 50 कंपनियां, इनमें 30 है, तो इनमें 50 कंपनियां होती है और ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। तो ये निफ्टी, मैं ज्यादातर इसी में पैसा लगाता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग BSE में पैसा लगाते हैं। दोनों ही हमारे शेयर मार्केट हैं, इंडिया के शेयर मार्केट हैं, आप किसी में पैसा लगाओ। बहुत सारी कंपनियां जो दोनों में लिस्टेड है और उनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है। तो BSE और NSE, अच्छा आप टाइप ऑफ किस तरह से आप लोग यहां पर ट्रेड करते हो जरा उसके बारे में समझ लेते हैं, ये भी समझना जरूरी है। तो होता क्या है, जब आप डीमैट अकाउंट खोल लेते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खोलना है। इन दैट केस दो तरह से आप पैसा लगाते हो। एक ऐसे लोग हैं जो कि सुबह मार्केट खुलेगा, किसी एक शेयर को पकड़ेंगे जहां पे उनकी रिसर्च होती है, उसमें वो पैसा लगा देते हैं, शाम को आते आते वो पैसा अपना निकाल लेते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सिंपल। उसको बोलते हैं क्या, डे ट्रेडिंग। उसको बोलते हैं इंट्रा डे ट्रेडिंग। एक ही दिन में पैसा लगाया, शाम होते होते पैसा निकाल लिया, अपने आप ऑटोमेटिकली इंट्रा डे में निकल जाता, आपके अकाउंट में आ जाएगा। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो ऑटोमेटिकली वहां से रिड्यूस हो जाता है, इसको इंट्रा डे ट्रेडिंग बोलते हैं। और मैं आप लोगों को बोलूंगा कि हमें रिटेलर्स को इंट्रा डे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो इंट्रा डे, वो ट्रेडिंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कभी भी इंट्रा डे ट्रेडिंग मत करो, कोई फायदा नहीं है, लीव इट। हमको वो नहीं बनना है, ट्रेडर नहीं बनना है, हमको इन्वेस्टर बनना है, समझो। वॉरेन बफेट इन्वेस्टर है, ट्रेडर नहीं है। वॉरेन बफेट ऐसा नहीं करते कि आज मैं सुबह पैसा लगाऊंगा शाम को निकाल लूंगा, ऐसा नहीं करते। वॉरेन बफेट के सिंपल से रूल है जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, चार सिंपल सी बातें बोलते हैं। देखो, या तो पैसा लगाओ मत, लगाओ तो पूरे से अच्छे से स्टडी कर लो कंपनी की, पूरा विश्वास हो, उसके बाद जब आप पैसा लगा रहे हो तो फिर आंखें बंद कर लो पैसा लगाने के बाद। वॉरेन बफेट सिंपल सी बात बोलते हैं, पैसा लगाओ तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, एक सेकंड के लिए भी मत लगाओ। और आपको विश्वास हो तभी लगाओ कंपनी में, पूरे अच्छे से रिसर्च कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, पैसा तभी निकालो। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, पैसा तभी निकालो जब आपको भरसक बेहद जरूरत है, अदरवाइज पड़ा रहने दो स्टॉक के अंदर, आपका पैसा 100% बढ़ेगा। इतने से सिंपल से रूल हमें समझ में आ गए। क्या कहते हैं वॉरेन बफेट, नंबर वन, पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ, इंट्राडे नहीं, एक सेकंड के लिए भी पैसा मत रखना अगर आपको कंपनी पे विश्वास नहीं है तो। और अगर कंपनी या कंपनी के फंडामेंटल पे विश्वास है तो पैसा लगाओ और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो, और तब तक पैसा मत निकालना जब तक आपको जरूरत ना हो, भरसक जरूरत हो तभी पैसा निकालो। ये सिंपल से रूल है, क्या इसको हम फॉलो नहीं कर सकते? और ये कहते हैं अगर तीन रूल आपको समझ में आते हो तो आपको कोई डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, ले दे के सिर्फ इतनी है कि कंपनी के फंडामेंटल। अब कंपनी के फंडामेंटल हमें कैसे समझ में आएंगे, तो मैं आपको समझाता हूं, वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। बट ओवरऑल इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लंबे टाइम तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, लो रिस्क होता है, इंट्राडे में हाई रिस्क होता है, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लो रिस्क होता है। आपके पैसे कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएंगे, प्रॉफिट भी कमा लोगे, हो सकता है आप करोड़पति बन जाओ।